हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ कि यदि आप ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। क्योंकि अक्सर जब हम ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी सामान हम मंगाते हैं तो कई बार सामान खराब निकल जाता है, या मतलब यदि हम रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न भी नहीं होता है, यानी बहुत तरह का समस्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख सके, समझ सके और आप ऑनलाइन सामान यदि आप खरीदते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल का निशान उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जैसे कि आप ऑनलाइन खरीदारी से पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, वीडियो कैमरा खरीदना चाहते हैं, बढ़िया स्क्रीन की टीवी या कुछ भी खरीदना चाहते हैं, उसके बारे में खरीदने के बारे में सोचे, तो आपको खरीदने से पहले आपको इंटरनेट पर इससे संबंधित इंफॉर्मेशन जरूर ले लेनी चाहिए। या तो वेबसाइट पर आप इन प्रोडक्ट से संबंधित कई लोगों के विचार भी जान सकते हैं, यानी कि जो जो ऑनलाइन के माध्यम से सामान मंगाए हैं उन लोगों की राय भी आपको जानना आवश्यक है। चलिए, ये सारी चीजें आप करते हैं तो ये सब जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक होगी। और दूसरा जो बात कर रहे थे, जैसे कि शॉपिंग कार्ट जो होता है, यानी कि ई कॉमर्स से, ई बिजनेस से, इसके बारे में पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ कि ई कॉमर्स क्या है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाकर ई कॉमर्स के बारे में आप जान सकते हैं कि क्या है। तो ई कॉमर्स से खरीदारी करते समय सामान्यतः आप आभासी दुकान वाली वर्चुअल कार्ट से उन आइटम को ऐड कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हम फ्लिपकार्ट से वो लैपटॉप मतलब परचेज कर रहे थे, उस समय मतलब एक बगल में एक कार्ट रहते थे, मतलब ये सब मतलब सामान चाहिए, बैग चाहिए या कुछ भी उसी से रिलेटेड कोई भी सामान आपको ऐड करने के लिए देता है, लिंक देता है, कार्ट लिंक मतलब लिंक देता है ताकि आप उसके बारे में पूरा डिटेल से आप देख सके उसको प्राइस क्या है। तो जैसे कि और बहुत सारे साइट्स में ऐसे लिंक भी जुड़ा रहता है जिसे क्लिक करने पर आपको वह पेज तो दिखाई देगा, उसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन तो दिखाई देगा, जिससे आपको अपना पता बताना, यानी कि आप जहाँ पे रहते हैं उसका एड्रेस भी आपको बताना होता है और उसको भुगतान संबंधी प्रक्रिया की जानकारी भी होती है। इसमें अगला स्टेप हम बात करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन खरीदारी करना अभी के समय में, प्रेजेंट के समय में काफी आसान, सुरक्षित और अच्छा हो गया, यानी कि सुविधा हो गया है कि जब आप ऑनलाइन किसी भी सामान खरीदारी करते हैं तो जो बेचता है आपसे भुगतान संबंधी पूरी जानकारी ले लेता है। इसमें आपको अपना एड्रेस डालना पड़ता है, आपका नाम पता, क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और कभी कभी तो सिक्योरिटी कोड की जानकारी भी मांगी जाती है। इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, यानी कि फाइनल स्टेप यही होता है। ऐसे में आपको यह सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि ये जो महत्वपूर्ण डाटा जो आप दे रहे हैं, जो अपना पूरा बायोडाटा, अपना पूरा मतलब नाम, एड्रेस
और क्रेडिट कार्ड का नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह सारा कुछ दे रहे हैं, तो आपको उस समय ये सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि ये महत्वपूर्ण डाटा जो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, ये किसी गलत आदमी के हाथों में ना पड़ जाए। इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप इन डाटा को किसी सुरक्षित साइट को ही उपलब्ध कराएं। इसलिए मैंने पहले फर्स्ट बार में ही बताया कि आप जैसे कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके बारे में अपना फ्रेंड्स से जो लिए हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी सामान ऑनलाइन मंगाएं। और अगला स्टेप में बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार आप इंटरनेट से ऑनलाइन किसी सामान अथवा सुविधा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार आप इस पर अपने प्रोडक्ट, जैसे कि कोई कंपनी मतलब अपने प्रोडक्ट को यदि बेचना चाहता है, सर्विस मतलब सर्विस की बिक्री भी इजी तरह से कर सकते हैं। इंटरनेट पर ऑनलाइन बिक्री के लिए विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं, यानी कि इंटरनेट पर यदि आपको ऑनलाइन बिक्री करना है तो विभिन्न तरीके बहुत तरीके उपलब्ध हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सामान आप सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से जांच लें, परख लें, उसके बाद ही अपना इन्फॉर्मेशन पूरा दें, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह, तो एक्सपायरी डेट वगैरह, ये सब सारा चीज कंपनी मतलब मांगता है, तो इसके बारे में सुनिश्चित कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद ही आप सारा इन्फॉर्मेशन दें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।